18 देखा जाए, कह रहे यदि दो सरल रेखाएं एक ही सरल रेखा पर एक ही तरफ लंब हो तो सिद्ध करें कि वे समांतर होती है। चलिए मैं यहाँ पे दो सरल रेखा एक ही सरल रेखा पर, तो मैं एक रेखा बना लेता हूँ और इस पे दो सरल रेखाएं ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका नाम मान लेते हैं ए बी, ए बी पर लंब है आपकी रेखा यह, क्या नाम इसका देते हैं, तो इसका नाम देते हैं पी क्यू और यह आर एस। तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कह रहा है कि यदि दो सरल रेखा एक ही सरल रेखा पर एक ही तरफ लंब हो, एक ही तरफ लंब हो यानी एक ही तरफ से लंब हो, यह देखो यह इस पे लंब है और यह इस पे लंब है, ठीक है, एक ही तरफ से लंब है, तो क्या सिद्ध करना है कि यह पी क्यू और आर एस समांतर है। तो मैं यहाँ पे भी एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सी और यहाँ पे ले लेता हूँ डी। चलिए हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि पी क्यू ए बी पर लंब है, पी क्यू रेखा जो है ए बी पर लंब है और यह आर एस रेखा भी आपकी लंब, सॉरी मैंने समांतर लिख दिया, पी क्यू रेखा लंब है ए बी पर और आर एस जो है यह भी लंब है ए बी पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू जो है ना समांतर हो जाएगा आर एस को। चलिए इसका प्रमाण देखो, सिंपल सी बात है यार, आप देखो यह इस पे लंब है या इस पे लंब है, तो यहाँ पे एंगल पी सी डी बराबर में 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका देख लो यहाँ पे पी क्यू जो है लंब है ए बी पर, ठीक है, पी क्यू लंब है ए बी पर, तो एंगल पी सी डी 90 हो जाएगा। अच्छा एंगल आर डी सी, आर डी सी यह भी आपका 90 हो जाएगा, क्यों 90 हो जाएगा, क्योंकि आपका आर एस जो है यह भी लंब है ए बी पर। अच्छा इन दोनों का योग देखो, एंगल पी सी डी और प्लस एंगल आर डी सी, पी सी डी और आर डी सी इन दोनों का योग जो होगा 90 180 हो जाएगा ना। तो देखो यह, देखो यह दो रेखा है और एक तिरक रेखा का काम कर रहा है जिनको सी और डी पे काट रहा है, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग आपका 180 हो जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक ही तरफ के अंतः कोण के प्रतिलोम से, इसके उल्टा से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, इसके प्रतिलोम से, तो इन दोनों एक ही तरफ के अंतः कोण का योग अगर 180 हो जा रहा है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी ना, PQ समांतर हो जाएगा RS। तो सिंपल सा ये था, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर